आपका स्वागत है फीफा फूज में। पहले तो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जर्नी के लिए? बहुत अच्छी जर्नी रही है, बट मेरी जर्नी अभी भी रहेगी। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। तो हाँ, जर्नी अच्छी रही बट अधूरी रही। तो जैसे कि आपने कहा बहुत अनएक्सपेक्टेड था, एक अलग रीज़न दिया गया, जैसे कि रूल ब्रेक करने का रीज़न देकर आपको बाहर निकाला, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस भी जानती है कि क्या हुआ है। इट वॉज द मोस्ट अनफेयर इलेक्शन ऑफ ऑल टाइम। तो हाँ, अनफेयर तो हुआ है डेफिनेटली, बट अगर मुझे चांस मिलता है जाने का ऑफिस में, डेफिनेटली जाना चाहूँगी। आपका ऐसा कौन सा रीज़न लगा कि ईशा ने आपको निकाला, आपका इनाम क्यों लिया? ईशा इनसिक्योर हो गई थी मुझे, क्योंकि उनकी चीज़ों को बाहर लाने का काम मैंने शुरू कर दिया था। ईशा के एक एक पॉइंट्स मैंने कॉल आउट करना शुरू कर दिए थे, तो आई थिंक उनको लगा हुआ होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे उनके रास्ते से हटा दिया। सो गेम में आपको काफ़ी बार बदतमीज़ बोला गया कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने अपने हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट की, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोला तो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोग बदतमीज़ हैं उस घर में, हर एक बदतमीज़ है। एक्शन का रिएक्शन होता है, वही निकला था। ओके, अगर आपका इवेक्शन नहीं होता, आपकी जब आपको लगता है कि कॉकीस को बाहर जाना चाहिए था? जी हाँ, डेफिनेटली। इट वॉज वेरी क्लियर रूल ब्रेक किसने सबसे ज़्यादा की, और वो इंसान अभी भी अंदर बैठा हुआ है। तो घर में काफ़ी आपने लोगों से दोस्ती की, काफ़ी लोगों से आपकी नहीं बनी, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनसे आपकी नहीं बनी, जैसे कि अंकिता थे, विक्की भैया थे, अनुराग है? अब नहीं बनती है, बहुत सारे लोगों की वेवलेंथ मैच नहीं होती है, क्योंकि मुझे ना गलत नहीं देखा जाता, वो लोग हमेशा गलत का सहारा लेकर ही आगे बढ़े। जैसे रटा रटाया वो बिग बॉस ने हमेशा बोला कि आप गेम चार्ट के आए और आप वही कर रहे, नंबर वन खेल रहे, जो हमने कभी किया ही नहीं। तो हाँ, जो थे हम मुँह पे थे, वो लोग मुँह पे अच्छा बन के पीछे बुराई करने का काम करते थे, एटलीस्ट वो तो आदत नहीं थी। आपको लगता है कि बिग बॉस कहीं ना कहीं अंकिता को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे, जैसे कि उनके पेरेंट्स को बुला के उनका गेम खराब हो रहा था तो गाइडेंस भी दी गई, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिग बॉस को डंके की चोट पे बोला है कि वो बायस्ड है, तो इसमें मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ? बिग बॉस बायस्ड है तो वो है, हम सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम सवाल उठाएंगे। ओके, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आयशा की एंट्री और मुनावर का गेम, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों का कोई गेम नहीं है, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। या आपको लग रहा है प्लान है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऑडियंस का कहना है कि पूरी तरह से प्लान है, प्लान किया गया हो। मैंने तो ये भी सुना है कि अंकिता भी की एक एक झगड़ा प्लान करके गए, एक एक टॉपिक प्लान करके गए, प्रेगनेंसी वाला, डिवोर्स वाला, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर, हो सकता है इनका प्लान। अभी एक दिखाए गए क्लिप में क्या विक्की ने अंकिता पे हाथ उठाने की कोशिश की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आई वांट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज दे आर हस्बैंड वाइफ, दे बोथ देयर केमिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज, हाथ नहीं उठाना चाहिए। ओके, सो मुनावर के गेम की बात करें तो कहना है उनका ये गेम नज़र आया कि लॉकअप में भी उन्होंने अंजलि के साथ दोस्ती की, अभी मनारा, अभी आयशा, ऐसा लग रहा है उनका ये गेम प्लान है, उनका यही गेम होगा, क्योंकि वो एक लड़की का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से। उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है, सिर्फ शायरी या मुशायरे ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको कुछ कर भी नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। जो दिखाते हैं ना कि मैं एक अलग गेम दिखाऊंगा, तो उनका गेम अभी तक दिखा नहीं, जो क्लियरली बोल दिया गया बोरिंग एंड फ्लैट लाइन। ओके, सो मनारे के बारे में बात करें तो उनका गेम अभी बहुत ज़्यादा वो वीक नज़र आ रही है, और फिर अभी वीक नहीं, बेवकूफ़ नज़र आ रही है, और पता नहीं वो क्या कर रही है, चीज़ है ना, डिनाइल मोड राइट नाउ, कि आयशा के आने से वो अफेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसको फीलिंग्स हैं मनारे के। ओके, सो अभी तो आप बाहर आ चुके हैं, तो क्या लगता है नील का गेम और स्ट्रांग होगा या कहीं ना वो वीक पड़ जाएगा? नील का गेम स्ट्रांग होगा, वीक तो नहीं होगा। आई रियली वांट हिम टू विन सीरीज़, तो आई ट्रॉफी लेकर आया। अभी आपके बाहर आने से काफ़ी लोग ईशा के अगेंस्ट हो गए, जैसे रिंकू जी है, उन्होंने और नील ने मिलकर ये कहा कि अभी एक भी उनकी बात नहीं मानेंगे, घर का काम नहीं करने वाले। अच्छा है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो होती नहीं है कुछ भी डिसाइड करने वाली, उनको कोई राइट्स नहीं है कुछ भी करने के। सो ईशा जाए भाड़ में और देखते हैं आगे क्या होता है, और ईशा डेफिनेटली नहीं जीतेगी इतनी नहीं। बात करें अभिषेक के, तो उनका काफ़ी अग्रेसिव नेचर स्टार्ट से दिखा गया, बहुत मुद्दे बनाने की वो कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का कहना है, आपको क्या लगता है आप उनके साथ रही हैं? हाँ, फालतू मुद्दे वो बनाते थे शुरुआत में, क्योंकि उनको लगता था यही गेम है, फालतू की चीज़ों में हर कुछ, हर कोई बात पर मुद्दा बनाना होता था,
फालतू का अग्रेशन दिखाना होता था, बट वो उसने बहुत मेलो डाउन हुआ है वो, और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी अभिषेक से, तो हाँ इट्स गुड विक्की। ओके, विक्की भैया को मास्टर ब्लाइंड का टैग दिया गया था। मास्टर ब्लाइंड है वो। आप कैसे क्यों लगे? हाँ क्यों ऐसे आप मास्टरमाइंड का टाइप नहीं है उसमें, कोई दिमाग नहीं है, वो बेवकूफ है, अक्कल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ही इज अ स्मार्ट पर्सन। ऑडियंस ने बाहर आपका और उनका जो फन बंटर था वो भी बहुत पसंद किया है। किया होगा, आई डोंट नो। अच्छी बात है, हाँ मैं मस्ती करती थी तो इट्स ऑर्गेनिक, वॉट एवर इट इज, वी डोंट प्लान एनीथिंग। अगर मेरे से कोई अच्छे से बात करता था तो मैं भी अच्छे से बात करती हूँ। ओके, अभी बिग बॉस के घर में आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा रियल गेम कौन खेल रहा है? मैं खेल रही थी और नील। ओके, सबसे डम गेम किसका लगा? मुनव्वर और ईशा। ओके, थाली का बैगन कौन है? थाली का बैगन तो ईशा, इधर से तो लड़कती रहती कभी मेरे साथ कभी अंकिता के साथ, और चमची है उनकी। मोहल्ले के आंटी जो सबसे ज़्यादा चुगलियाँ करती है? चुगली अरुण भाई, बहुत चुगलियाँ की उन्होंने। ओके, और बात करें जैसे कि अभी आप एज अ वाइल्ड कार्ड अगर आपको वापस जाने का मौका मिलता है आप जाना चाहेंगे? यस डेफिनेटली, आई वुड लव सो। मेरा क्योंकि मेरी जर्नी अधूरी रह गई, आई वांट टू कंप्लीट इट, आई होप आई गेट द चांस टू गो बैक। ओके, और किसको टारगेट करना चाहेंगे ईशा के अलावा? बहुत सारे लोग हैं, मेरी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, और मैं सबको टारगेट करूँगी इफ आई वॉन्ट टू, मेरी मर्जी। जैसे उन्होंने बोला मेरी मर्जी में कुछ भी करूँगी, तो मेरी मर्जी में जिसको चाहे टारगेट करूँ। नील को क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनके गेम में इम्प्रूवमेंट लाने के? को एडवाइस तो वहाँ तक जाएगी नहीं है एडवाइस उसकी, बट आई होप कि वो अच्छा ही करे, अपने डिसीजन दिल से ले, जब दिमाग से यूज़ करने की बारी आएगी तो दिमाग से भी करे, बट हाँ फेयर डिसीजन ही लेगा, मुझे पता है नील कैसे। टॉप थ्री में किसको देख रही? नहीं देख रही किसी को, नील के अलावा। ओके, ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड अभी नील अंदर है, आप नील को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि जो भी हुआ है बहुत अनफेयर हुआ है, वी हैव टू मेक इट फेयर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।